हाय गाइस, दिस इज़ अमन नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन नेगी फिटनेस। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल एट योर होम्स। और आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होम शोल्डर वर्कआउट लेकर आया हूँ और इसमें भी मैं आपको पांच ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊँगा फ्रेंड्स, जो कि आपके शोल्डर्स को घर में बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेंगी। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप अपने फ्रंट, मिडिल एंड रियर डेल्टॉइड्स को आप अच्छे से, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डेल्ट्स भी बोलते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको बिल्डअप कर सकते हैं अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ अपनी पहली एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली शोल्डर एक्सरसाइज, जो कि है पाइक पुशअप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली अपने जिम में होते तो आप नॉर्मल बेंच पे डंबल्स लेके बेंच प्रेस मारते हैं अपने शोल्डर्स के लिए, जो फ्रंट डेल्ट्स को आपके टारगेट करते हैं और फ्रंट डेल्ट्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिम नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको घर पे ऐसा वर्कआउट बता रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, पाइक पुशअप्स कर सकते हैं। पाइक पुशअप्स में मैं आपको उसका स्टैंस बता रहा हूँ, पोजिशन, और बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग अपनी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उसको एटलीस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को होल्ड करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हम अपनी मसल्स को अच्छे से टॉर्चर करें ताकि वो ब्रेक हों और फिर जब हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट देंगे तो वो ग्रो करेंगी। तो मैं आपको पहली एक्सरसाइज दिखाता हूँ हमारी पाइक पुशअप्स। इसके लिए आपको अपनी नीज पे ऐसे बैठना है, अपने दोनों हाथों को काफी आगे तक ऐसे प्लेस करें एंड देन अपनी बॉडी को यू पीछे लाएं एंड देन ब्रिंग योर बॉडी इन फ्रंट एंड देन बैक। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा होल्ड करना है जिससे आपको अपने शोल्डर्स पे काफी स्ट्रेस पड़ेगा आपके फ्रंट डेल्ट्स पे, लाइक दिस। और ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स, आप जैसा कि आपको पता है ये होम वर्कआउट है, तो आप इसको अंटिल फेलियर कर सकते हैं या जितने रेप्स आपसे लग रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है। इससे आपको अपने फ्रंट डेल्ट्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस लगेगा अगर आप इसे अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। बस तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमारे फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करने के एक वेरिएशन बताता हूँ, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। जैसा कि आप सबके पास घर पे कोई ट्रॉली बैग होगा या कोई नॉर्मल बैग होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप उसमें बुक्स भर दें या थोड़ा सा भी कोई वेट उसको थोड़ा एटलीस्ट हैवी बना दें, और उससे आप अपने फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज और साइड डेल्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपने अपने बैग में नॉर्मल वेट भरा एंड अपने आप इससे फ्रंट रेजेस कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे अपनी बॉडी को थोड़ा होल्ड करिए एंड देन ब्रिंग इट डाउन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जिससे हम अपने मिडिल डेल्ट्स को टारगेट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसके बाद आपको एक वेरिएशन बताऊंगा इसका, जो आप अपने ट्रॉली बैग या नॉर्मल अपने स्कूल बैग से भी कर सकते हैं उसमें थोड़े वेट्स डाल के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए पहले आपको अपनी प्लैंक पोजिशन में आना है एंड देन ब्रिंग योर वन हैंड क्लोज टू योर बॉडी एंड देन ब्रिंग इट अप। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए फ्रेंड्स होल्ड करना है, इससे आपके मिडिल डेल्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होंगे। ब्रिंग इट अप, होल्ड, ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग इट अप, होल्ड, ब्रिंग इट डाउन एंड देन अपने राइट साइड से ब्रिंग इट अप, होल्ड, ब्रिंग इट डाउन। इससे आपके शोल्डर एडजस्ट होंगे प्लीज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको हमारी जो हमने सेकंड एक्सरसाइज करी थी, मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा वेरिएशन दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल ट्रॉली बैग या ट्रैवल बैग चाहिए फ्रेंड्स, उसको आप थोड़ा बुक्स वगैरह किसी चीज़ से भी भर सकते हैं और इससे हम अपने मिडिल डेल्ट्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव तरीके से। तो इसमें आपको नॉर्मल अपना बैग चाहिए जो बुक्स या किसी भी वेट से भरा हो एंड देन उससे आप स्लोली स्लोली अपने मिडिल डेल्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि जब आप
इस अपर पोजीशन में आते हो तो यहाँ पे थोड़ी देर एटलीस्ट होल्ड करें, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपकी मसल्स अच्छे से वियर एंड टियर होती है। मैंने यहाँ पे स्कूल बैग यूज किया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ट्रॉली बैग या कोई सा भी ट्रैवल बैग यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज और इससे हम टारगेट करेंगे अपने रियर डेल्टॉइड्स को, यानी कि रियर डेल्ट्स को। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करनी कैसे है। इसमें आपको अपने दोनों हाथ को एक्सटेंड करिए एंड देन ब्रिंग योर शोल्डर्स अप। आपको शोल्डर्स अपने अप लाने हैं ताकि शोल्डर्स में रोटेशन हो। बस आप अपने शोल्डर को जमीन के ऊपर लाने की कोशिश करनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, हमारी फोर्थ शोल्डर एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स ये नॉर्मल पुशअप्स की तरह है, इससे आप अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेस्ट के करीब रखें। तो मैं देखिए दिखाता हूँ आपको, आपको नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आना है एंड देन अपने दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लाना है अपने वेस्ट के करीब एंड देन ब्रिंग योर बॉडी डाउन। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करिए, then bring your body up, down and up, down and up, down and up। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूं आपको हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। तो इसमें फ्रेंड आप किसी भी चेयर या अपने बेड की हेल्प ले सकते हैं एंड देखिए मैं आपको बताता हूँ। अपने दोनों पैर को एक एलिवेटेड सरफेस पे रखिए एंड अपने हिप्स को ऊपर लाइए ताकि आपको थोड़ा एलिवेशन मिले। अपने हैंड्स को थोड़ा सा खोलिए एंड देन ब्रिंग योर बॉडी डाउन। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी शोल्डर एक्सरसाइज है, इससे आपके मिडिल फ्रंट रियर तीनों डेल्ट स्ट्रेन होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नजर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन पांच एक्सरसाइजेस के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का होम शोल्डर वर्कआउट। और मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, आप ये पांचों एक्सरसाइज अपने घरों पे ट्राई करना। आपको इनके तीन सेट्स करने हैं एटलीस्ट 30 सेकंड। जैसे एक एक्सरसाइज है वो आपको 30 सेकंड के लिए करनी है और उसके तीन सेट करने हैं। हर सेट के बीच में एटलीस्ट 10 सेकंड्स का आप लोग गैप लेंगे और जब ही आपका वर्कआउट कम्प्लीट होगा तो यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, आपको अपने शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके शोल्डर्स ने कुछ काम किया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है घर पे करने के लिए। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली बार।